ठीक है ठीक हाय फ्रेंड्स, जस्ट आई एम इन माय विलेज साइट एंड दिस इज द ग्रीनरी व्हाट यू आर वॉचिंग एंड दिस इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग सीन यू कैन get and this is the beautiful of nature and I always tell you a thing of beauty is a joy forever it has been told by John Keats as we know that we must be connected to earth plants sun moon these are the sources of energy and energy gives us happiness and a lot of things so let us enjoy the greenery and nature You can see that this is the plant of wheat. गेहूँ का पेड़ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये आपको दिख रहा होगा। ये जो है सरसों का पेड़ है और इसका फूल बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही शानदार है। ये हमारे मन को विभोर कर रहा है और मुझे बहुत ही प्रसन्न कर रहा है। जब मैं इस ब्यूटीफुल चीज़ों को देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। जब भी मैं इस धरती माँ के धरती माँ के ऊपर जितने भी ये पेड़ हैं, सारे के सारे पेड़ जो हैं हमें बहुत ज़्यादा सुंदरता और प्रेम और स्नेह और शांति देती है। तो नेचर से हमें प्रेम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। तो सो वी शुड बी वेरी कनेक्टेड टू द अर्थ एंड टू द प्लांट्स। देखिए दोस्तों, ये सुंदर दृश्य है। ये जो मेरा गांव का एरिया है जिसमें मैं अपने गांव में आया हुआ हूं और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये तस्वीर है। और यह मनमोहक तस्वीर कोई साइंस नहीं दे सकता, ना ही कोई दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट दे सकता है। यह सुंदर चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रकृति दे सकती है। और प्रकृति जो है अद्वितीय है, अद्वितीय है। जैसा आप देख सकते हैं ये मसूर है और मसूर का ये फसल है, कितना शानदार है। इसको देखने मात्र से ही आपका जो है बहुत सारा चिंताएं, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, हार्डशिप्स हैं, सारे संकट छट जाते हैं। और मैं जब इस क्षेत्र में आता हूं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। जब मैं इस गेहूं के पेड़ से बातें करता हूं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इस सरसों के फूल से बातें करता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो जितना सुकून हमें ये पेड़ पौधे देते हैं, उतना इस संसार में कोई भी चीज़ सुकून, शांति और समृद्धि नहीं दे सकती। ये समृद्ध वातावरण आप देखने को मिल सकता है आपको। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम आपको किसी रोज़ इस सुंदर से नज़ारा, जो प्रकृति का नज़ारा है, उससे आपको मुजाहिरा करवाएंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और सरस्वती माता और ये सरस्वती पूजा और 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद।